अस्सलामु अलैकुम गाइस, मैं हूं इमरान शेख। माशाल्लाह से आज है ईद का दिन और मेरी तरफ से आप सबको बहुत 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 ईद मुबारक हो। वैसे तो हमने रमज़ान अल मुबारक में बहुत सी रमज़ान की स्पेशल एपिसोड को कवर किया और उन खूबसूरत लम्हात को आपके साथ शेयर किया, तो आज है ईद का स्पेशल डे, तो क्यों ना इन लम्हात को भी आपके साथ शेयर किया जाए। जैसा कि अभी इस वक्त सुबह के बज रहे हैं 7:30 और यहाँ ईद उल फितर की नमाज है तकरीबन 8:30 बजे, तो टाइम है कम। तो ऐसा करते हैं जल्दी से हो जाते हैं तैयार और फिर चलते हैं ईद की नमाज के लिए मस्जिद। A few moments later. तो गाइस फाइनली मैं रेडी हो चुका हूँ और नमाज का टाइम हो चुका है। तकरीबन अभी हो रहे हैं 8:10 और 8:30 बजे जो है ना वो ईद की नमाज का वक्त है। तो मेरे ख्याल से अब चलते हैं, काफ़ी लेट हो चुके हैं। और इस तरह के वापस चले गए। सुबह हुई के दरबार में जब बहुत 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 ईद मुबारक हो और आज का दिन मेरी दुआएं हैं कि आपका बहुत अच्छा गुजरे। फाइनली मैं आ गया हूँ नमाज पढ़कर। तो गाइज ईद की नमाज हम पढ़ चुके हैं लेकिन मैं सूरत समा था मस्जिद में, क्योंकि ऐसा इन्वायरमेंट और ऐसी रौनकें पूरा साल कहीं देखने को नहीं मिलती जो ईद उल फितर और ईद उल जुहा के मौके पर तमाम मस्जिद में मिलती हैं। और रमज़ान की तो क्या ही बात है, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में रमज़ान गुजरे हैं और हम अल्लाह से पुरउम्मीद हैं। इंशाल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने हबीब के सदक़े में हमारी नमाज़ें और रोज़ों को कबूल अता फ़रमाए। अच्छा, ईद की रौनकें अपनी जगह और जो ईद के स्पेशल लवाजमात हैं, जैसा कि अभी मैंने रस्ते से मिठाई ली है, कीमे वाली कचौरी ली है और कुछ निमकोस वगैरह ली हैं, और उसके अलावा घर में स्पेशल डिश जो बनती है वह है शीर खोरमा। तो अब मैं इन्हें खा के करता हूँ इन्जॉय, वीडियो को करते हैं एंड। लेकिन इससे पहले मेरी तरफ से फिर एक मरतबा बहुत 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 ईद मुबारक हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू अगेन, अल्लाह हाफिज़।